हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम डाउट्स। 34th डाउट वीडियो है आज अपना। डाइजेस्टिव सिस्टम से एम्स 2011 का एक बहुत आसान सा सवाल है। अ यंग पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टंग कैंसर, हिज टंग इज कंप्लीटली रिमूव्ड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल डिस्क्राइब द पर्सन दैट ही विल बी एबल टू। क्वेश्चन ये है कि एक यंग पर्सन है जिसको टंग का कैंसर है, सर्जरी करके उस कैंसर की वजह से उस टंग को पूरा निकाल दिया, तो क्लियर लिखा है इसने कि इट इज कंप्लीटली रिमूव्ड, यानी पूरी तरीके से निकाल दिया। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन डिस्क्राइब करेगी उस पर्सन को कि वो क्या क्या कर सकता है? तो चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है टेस्ट स्वीट एंड सॉल्टी, मतलब वो जो पर्सन है टंग के रिमूवल के बाद में स्वीट और सॉल्टी यानी कि मीठा और नमकीन टेस्ट कर सकता है। देखो, टंग का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जितने भी टेस्ट हम लोग परसीव कर सकते हैं दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बड्स। हमारे टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है इनसाइड सम पेपिला। बेसिकली क्या होता है, हमारे टंग के ऊपर कुछ आपको उभरे हुए से स्ट्रक्चर दिखाई देते होंगे टंग के ऊपर, इन्हें पेपिला कहा जाता है, ठीक है। और ये पेपिला के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स, और इन टेस्ट बड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, या फिर आप कह सकते हो टेस्ट रिसेप्टर्स। और इन्हीं टेस्ट रिसेप्टर्स की वजह से हम किसी भी चीज का टेस्ट जो है वो परसीव कर पाते हैं। तो टेस्ट का सेंसेशन हमेशा टंग से आएगा, चाहे वो स्वीट हो, सॉल्टी हो, बिटर हो या सार हो, ये सारे टेस्ट हमारे टंग की वजह से होते हैं, ठीक है। हालांकि इस पिक्चर में इन्होंने क्लियर क्लियर डिमार्केशन करके बताया हुआ है, बट इतना क्लियर डिमार्केशन देखो नहीं होता। बट हाँ, टेस्ट जितना भी है वो सब टंग की वजह से होते हैं, चाहे वो स्वीट हो या सॉल्टी हो। अब क्या टंग के रिमूवल के बाद वो पर्सन ना तो स्वीट परसीव कर सकता है ना ही सॉल्टी टेस्ट परसीव कर सकता है? पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि वो किसी भी तरह का टेस्ट नहीं ले सकता। सेकेंड ऑप्शन, नॉट एबल टू टेस्ट स्वीट बट एबल टू टेस्ट सॉल्टी, यानी उसको वो मीठे का स्वाद नहीं ले सकता लेकिन नमकीन का स्वाद ले सकता है, ऐसा नहीं है, वो किसी भी तरह का टेस्ट नहीं परसीव कर पाएगा, बिकॉज ऑल टेस्ट्स आर परसीव्ड बाय द गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ टंग। तीसरा ऑप्शन, परसीव द ऑर्डर ऑफ रोज बट नॉट एबल टू टेस्ट स्वीट एंड सॉल्ट, मतलब कि उसको गुलाब की खुशबू आ सकती है बट स्वीट और सॉल्ट को वो टेस्ट नहीं कर सकता। देखो, जो खुशबू रहती है, जो ऑडर रहती है, उसको सेंस करने का काम होता है ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम का। दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम जो प्रेजेंट होती है हमारे नोज के अंदर। खुशबू का काम किसका है, हमारी नाक का। क्यों? क्योंकि हमारी नोज के अंदर एक ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम है, उस ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो किसी चीज की खुशबू को परसीव करते हैं। तो उस पर्सन में टंग रिमूव की है, नोज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो वो परसीव कर सकता है, वो किसी भी तरह के ऑर्डर को, खुशबू को परसीव कर सकता है लेकिन स्वीट और सॉल्ट का टेस्ट नहीं ले सकता। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट, टेस्ट स्वीट एंड सॉल्टी बट नॉट परसीव टू द ऑर्डर ऑफ रोज, यानी कि उसको स्वीट और सॉल्टी का टेस्ट आ सकता है लेकिन उसको गुलाब की खुशबू नहीं आएगी। तो ऐसा थोड़ी होगा, आपने उसका टंग निकाल दिया तो स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऑर्डर ऑफ रोज जो है उसको ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम की वजह से होगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, यानी अपना करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। देखो, कुछ ज्यादा टफ सवाल नहीं था ये, इट वॉज जस्ट अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट काफी स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप किया तो आई थॉट कि मैं कन्फ्यूजन क्लियर करूं। बस, तो अपना फाइनल आंसर है थर्ड ऑप्शन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। इस तरह के अगर आपके पास डाउट्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हो तो आप बिल्कुल हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको इसका सलूशन बनाकर देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।